ये हैं ठाकुर सागर सिंह किशनगढ़ जिला सत्य जमींदार, और ये इस कहानी में सागर सिंह का रोल अदा करके दिखाए। मैं सर्प हूँ, मैं नाग हूँ, मैं चित्कार मत वाला हूँ, जिसके कार्य कोई मत नहीं। मर्द के पहलू में सोती है उसे हम रंडी तुमते हैं रंडी, और ऐसे रंडियों से हम अपने बेटे का रिश्ता जोड़ेंगे। नामांकन सागर सिंह से मिलवाने के बाद अब आपकी मुलाकात करवाते हैं इनके बेटे से, नाम है ठाकुर सुल्तान सिंह, तभी से ठाकुर सुल्तान। ये है ठाकुर सुल्तान सिंह, ठाकुर सागर सिंह के बेटे, और ये इस कहानी में सुल्तान सिंह का रोल अदा करके दिखाए। करूंगा जुल्म की बरसात, पाप की आंधी लाऊंगा, जमाना करेगा तो मत हल्का बताऊंगा। अरे रानी भूल जा कि तूने ठाकुर सुल्तान सिंह से प्यार किया था, क्योंकि मैं तो तुझे पहचानता नहीं। भाग रे रानी भाग, वरना तुझे तो मार ही दूंगा, तेरे साथ साथ तेरे बच्चे को काट कर फेंक दूंगा। भाग रानी भाग। सुल्तान सिंह से मिलवाने के बाद अब आपकी मुलाकात करवाते हैं ठाकुर सागर सिंह के मुनीम जी से, नाम है बनवारी लाल, तो पीछे मुनीम बनवारी। ये है मुनीम बनवारी लाल, और इस कहानी में मुनीम बनवारी लाल का रोल अदा करके दिखाए। नाम है बनवारी लाल मेरा, मुनीमी का काम करता हूँ, जिसे तीन देता हूँ तो तेरा असूल करता हूँ। यही है, यही है वो तीन दरिंदे जिन्होंने किशनगढ़ में आतंक कायम कर दिया, और इनके आतंक का शिकार हुआ एक गरीब किसान का परिवार, जो था राम सिंह का परिवार, पेशे राम सिंह की विधवा बीबी शोभावती। ये है राम सिंह की विधवा बीबी शोभावती। राम सिंह को ठाकुर सागर सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दिया। पति के न रहने के बाद परिवार की जिम्मेदारी शोभावती पर आ गई, और इस जिम्मेदारी को निभाते निभाते इन्होंने अपने प्राण ने उछावर कर दिए। तो ये इस कहानी में शोभावती का रोल अदा करके दिखाए। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। ये तूने क्या किया रानी, तेरी शादी नहीं हुई और तू बच्चे की माँ बनने वाली है, तुझे ऐसे दुष्कर्म करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई। आज तेरी वजह से मेरे बेटे को पुलिस पकड़ कर ले गई, मेरा बेटा जेल चला गया। रानी आज जहां इस घर में मेरा बेटा नहीं रहा, तू भी निकल जा रानी, निकल जा इस घर से। आज से इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए, हमेशा हमेशा के लिए। So,
भवती से मिलवाने के बाद अब आपकी मुलाकात करवाते हैं इनके बेटे से, नाम है लाखन सिंह। तो पेश है शोभावती के बेटे लाखन सिंह। यह है शोभावती के बेटे लाखन सिंह और इस कहानी में लाखन सिंह का रोल अदा करके दिखाएंगे। अमीरों से गरीबों की इज्जत कम नहीं होती, हीरे के लाख टुकड़े हो जाए पर कीमत कम नहीं होती। ठाकुर साहब, मेरी बहन का रिश्ता मत ठुकराइए, ये रिश्ता कबूल कर लीजिए। हम अपनी बहन की खुशियाँ के लिए हम अपने आप को भेज देंगे। ठाकुर साहब, हम भेज देंगे अपने आप को। लाखन सिंह से मिलवाने के बाद अब आपकी मुलाकात करवाते हैं लाखन सिंह की बहन से, जिसका नाम रानी है। तो पेश है लाखन सिंह की बहन रानी। यह है लाखन सिंह की बहन रानी और ये इस कहानी में रानी का रोल अदा करके दिखाएंगे। मोहब्बत के धोखे में कोई ना आई, ये एक दिन हंसाई सब दिन लाई। नहीं सुल्तान, मुझे मत ठुकराओ क्योंकि मैं तुम्हारी बच्चे की मां बनने वाली हूँ। नहीं नहीं, रानी से मिलवाने के बाद अब आप लोगों के सामने पेश है कुमारी राधा। ये है कुमारी राधा, ये लाखन सिंह की प्रेमिका हुआ करती है। इन्होंने लाखन सिंह से सच्ची मोहब्बत की, लेकिन इनकी मोहब्बत का अंजाम क्या हुआ कहानी में देखिएगा। ये आप लोगों के बीच में राधा का रोल अदा करके दिखाएंगे। इश्क करने से वाहिदात का मजा मिलता है, इश्क सच्चा है तो बंदे को खुदा मिलता है। अरे लाखन, ये तुमने क्या कह दिया, मेरे प्यार को भुला दोगे? अरे आज अगर ये बात मैं आपसे बताती नहीं तो क्या कहते कि राधा को मालूम था कि मेरी बहन रानी गलत रास्ते पर जा रही थी और राधा ने देखा फिर भी मुझसे बताया नहीं। अब तुम मेरे प्यार को भुलाने की बात कर रहे हो ना, नहीं भुला सकते मेरे प्यार को क्योंकि मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है लाखन, सच्चा प्यार। जी हाँ दोस्तों, यही से आपको ले चलते हैं चंबल के बियड़ों की तरफ और आपकी मुलाकात उन इंसानों से कराते हैं जिन्होंने बागी होकर हाथों में हथियार थाम लिया। तो पीछे मशहूर डाकू राकाश। ये है मशहूर डाकू राका सिंह और ये इस कहानी में राका सिंह का रोल अदा करके दिखाएंगे। दानों का दानव हूँ, आफत का परवाना हूँ। जाकर के दो सरकार से मैं राका से सागर सिंह सख्त नफरत है मुझे इस नाम से, जी तो चाहता है उस नाम रात की मोटी मोटी काट कर चील और कौवों की गिजा बना दूं। हमारे दिल में जो नफरत का शोला भड़का है वो शोला उस जमींदार सागर सिंह की खून की बूंद की छींटों से ही बुझेगा। राका सिंह से मिलवाने से बाद अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक खतरनाक डाकू जो कि राका सिंह के गिरोह का प्रधान होता है, कौम से पठान, नाम है रहीम खान। पीछे डाकू रहीम। ये है डाकू रहीम खान और ये इस कहानी में रहीम खान का रोल अदा करके दिखाए। मचा दू कयामत,
मचा दो कयामत, तूफान की लहर बनकर मैं जुल्म उठाऊं बिजली की तार। अरे सुल्तान, तूने राधा भाभी को छुआ नहीं, राम ज्यादा तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। रहीम खान से मिलवाने के बाद अब आप लोगों के सामने पेश है डाकू मंगल। यह है डाकू मंगल सिंह और ये इस कहानी में डाकू मंगल सिंह का रोल अदा करके दिखाएंगे। मैं अपने दुश्मनों का नाम और निशान मिटा दूंगा। नाम है मंगल सिंह मेरा, मैं तोरा इंस्पेक्टर मेरा पीछा करना छोड़ दे, नहीं तो तुझे कुत्ते की मौत ना मारा। तो मेरा नाम मंगल सिंह नहीं। मंगल सिंह से मिलवाने के बाद अब आप लोगों के सामने पीछे डाकू कुंदन। यह है डाकू कुंदन सिंह और ये इस कहानी में डाकू कुंदन सिंह का रोल अदा करके दिखाए। करूंगा जुल्म की बरसात, पाप की आंधी लाऊंगा, जमाना करेगा तो बता हल्का। डाकू कुंदन सिंह से मिलाने के बाद आप लोगों को यहीं से सीधा लेकर चलते हैं किशनगढ़ पुलिस स्टेशन की तरफ और वहां पर थाना इंचार्ज साहब से मिलवाते हैं। लीजिए आप लोगों के सामने पेश हैं थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर विजय कुमार। इंस्पेक्टर विजय कुमार शर्मा, हमारी कहानी में विजय कुमार शर्मा का रोल अदा करके दिखाएंगे। वर्दी में कितनी ताकत है, इस वर्दी में कितनी ताकत है ये हमें दिखाना है और कानून के दुश्मनों को इस देश से मिटाना है। लाखन सिंह अपने आप को कानून के हवाले कर दे, नहीं तो सबके सब सालों कुत्ते की मौत मारे जाओगे, कुत्ते की मौत। विजय कुमार शर्मा से मिलाने के बाद इसी थाने में तैनात एक लेडीज पुलिस ऑफिसर से मिलाते हैं, नाम था इंस्पेक्टर कुमारी पूनम सिंह। तो लीजिए आप लोगों के सामने पेश हैं सब इंस्पेक्टर कुमारी पूनम। सब इंस्पेक्टर कुमारी पूनम सिंह हमारी कहानी में अपना रोल अदा करके दिखाएंगी। ना कानून के शिकंजे से मुजरिम बच नहीं सकता पूनम सिंह के पंजे से। राका सिंह तू क्या सोचता है, किस तरीके से बातें बनाने से तू बच जाएगा? अरे जिस दिन कानून के हाथ आ गया ना तो तुझे फांसी की सजा होगी, फांसी की। अंत में मिले हमारे कॉमेडी कलाकार से, जो अपनी कॉमेडी पेश करके आप लोगों का मनोरंजन करेंगे। तो पेश से हमारे कॉमेडी कलाकार हवलदार अवघरदास शुक्ला। ये हैं हवलदार अवघरदास शुक्ला और ये इस कहानी में शुक्ला जी का रोल अदा करके दिखाए। मेरा नाम अवघरदास शुक्ला, रहता हूँ गोखला, पास में खोखला, मारते मारते कर देता हूँ तखला। राका सिंह तुम मेरे हवाले हो जाओ, अगर तुम मेरे हवाले नहीं होते तो हम तुम्हारे हवाले हो जाएंगे।